हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। सब कैसे हैं फ्रेंड? फ्रेंड, मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। नमस्कार फ्रेंड, आज मैं मेरे इंडोर प्लांट की गमले की सफाई कर रही हूँ। उसमें जो खराब पत्ते वो निकाल दूँ और उसे थोड़ा खाद भी दे दूँ। तो मैंने खाद में कंपोस्ट लिया है, वर्मी कंपोस्ट लिया है और फंगीसाइड डाला है और थोड़ी नीम खली डाली है। और उसकी सफाई कर दूं क्योंकि बारिश का सीजन आने वाला है। ये मिक्स कर ले रही हूँ मैं। तो मैं सब पौधों को, सब मैं इंडोर प्लांट को जो इसमें खराब पत्ते वो निकाल दूं, उसकी गुड़ाई करके ये सबको मैं थोड़ा थोड़ा खाद दे दूं। तो फ्रेंड, सब पहले तो हम इसमें जो पत्ते खराब हो गए हैं वो निकाल देंगे। इसमें से मैंने निकाल लिया है फ्रेंड, और थोड़ी थोड़ी गुड़ाई करके हम मिट्टी में, फिर गमले में पानी देते हैं। पानी तो मिट्टी भी नीचे थोड़ी थोड़ी गिरती रहती है जहाँ हम गमले रखते हैं, तो गमले में थोड़ी मिट्टी भी कम हो जाती है। फिर तो देखिए, इसमें भी थोड़ी कम हो गई है, तो मैं माटी मिट्टी भी डाल दूंगी इसमें। और ये थोड़ा थोड़ा कंपोस्ट में डाल दूँ, मैं खाद डाल दूँ थोड़ा थोड़ा, तो गमले अच्छे हो जाएंगे। फिर छोटे बड़े सब गमले में आज ठीक कर लो। देखिए, ये मैंने फ्रेंड कटिंग से लगाया है। देखिए इतना बड़ा हो गया है इसका। ये इसका मदर प्लांट है, इसमें छोटा रह गया है और ये इतना बड़ा हो गया है। अब इसे भी मुझे काटना पड़ेगा। देखिए यहाँ से टेढ़ा हो गया है, इसे झुक गया है फ्रेंड। तो इसमें पत्ते खराब है वो मैं निकाल लूँ और इसे मैं ऊपर से काट लूँगी। यहाँ से काट के फिर मैं लगा दूँगी, हो जाएगा फिर से। ये कटिंग ही है मेरा, बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर गया है। तो आज मैं इंडोर प्लांट सब ठीक कर रही हूँ, और इंडोर मेरा गार्डन है वो साफ भी करना है मुझे, और गमले सब मैं ठीक कर लूँ। इसमें पत्तियाँ बहुत ही खराब हो जाती है, तो हम देखते ही नहीं है, पानी देते हैं बस। मेरा तो यही होता है फ्रेंड, मैं इतना नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा। देखिए, तो ये मैंने इसका खाद दे दिया, खराब पत्ते निकाल दिए। ये भी देखेंगे क्या है, वेरीगेटेड। इसमें भी मैंने कटिंग लगाया था। ये इसका मदर प्लांट है, और इसमें से मैंने ये कटिंग लगाया है। देखिए, ये भी हो गया है, अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। फिर कोयल बोल रही है, फिर आप सुनाई दे रहा होगा, बहुत ही आवाज़ मीठी होती है कोयल की। हमारे यहाँ बोलते हैं सब लोग गुजरात में कि जब आम पकती है तब तो कोयल की चोंच पक जाती है, तो खा नहीं पाती, तो इसलिए कोयल कूदती है। पर मेरा मानना तो ऐसा नहीं है। गर्मियों में कोयल दिखती है हमें, जैसे बहुत ही वो शर्मीली है, हमें दिखती नहीं है। मुझे इतना पता है कि वो कौवे के घोंसले में जाकर उसके अंडे रखती है और कौवे के अंडे गिरा देती है, और कौवे बेचारे उसके अंडे को सहते हैं और बड़े करते, बच्चे भी आ जाते हैं तो भी बड़े कर देते हैं, फिर उड़ जाते हैं। देखिए फ्रेंड, इसमें भी मेरा ये हो गया था पानी, पता नहीं। मैं कभी कभी, हम फ्रेंड ऐसे ऐसे अच्छे से गमले सेट करके रख देते हैं, तो पीछे वाले गमले को हम देखते ही नहीं कि पानी इसमें मिलता है कि नहीं, तो ये पानी नहीं मिल रहा था फ्रेंड, तो ऐसा हो गया है। क्योंकि हम सोचते हैं कि इंडोर प्लांट को इतना पानी नहीं चाहिए, इसे भी पानी चाहिए फ्रेंड। तो इसमें से मैंने पत्ते जो खराब हो गए थे, सूख गए थे, वो निकाल दिए, बहुत सारे पत्ते निकले हैं। तो इसकी गुड़ाई कर दी है और इसमें खाद भी दे दिया फ्रेंड। बहुत ही हेल्दी सब प्लांट रह गए हैं, बहुत ही अच्छे हैं। देखिए, इसमें भी थोड़ा मैंने खाद डाला है, देख बोल रहे ये मनी प्लांट मंजूला इसको तो उसका, इसमें भी थोड़ा खाद डाल दूँ। सब पौधों की मैं कर रही हूँ कोई गुड़ाई और खाद भी दे रही हूँ, खराब पत्ते वो निकाल रही हूँ, ये सब काम में कर रही हूँ। सबके नीचे मैंने प्लेट रखा लगा रखी थी फिर सब में। अब मैं ये बड़े वाला गमला है उसमें मेरा वो लगा है। देखिए,